नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। गोरखपुर समेत पूरे देश में आज शोक की लहर दौड़ उठी है। पूर्वांचल के कद्दावर नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का मंगलवार शाम को निधन हो गया। उनके निधन के बाद तिवारी हाता पर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। नेता हरिशंकर तिवारी के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की माहौल है। पूर्वांचल का एक ऐसा कद्दावर नेता जिसके इशारे पर उसके समर्थक कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। वो जेल में रहकर भी चुनाव में जीत हासिल करने का दमखम रखता था और लगातार 22 सालों तक विधायक की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाए हुए था। वह किसी पार्टी विशेष का नेता न होते हुए भी अपना दबदबा खुद के दम पर कायम रखता था, लेकिन अब उसके साम्राज्य पर विराम लग गया है। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी की, जिनका उनके आवास पर निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ उठी। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान उनके समर्थक अपने प्रिय नेता पंडित हरिशंकर तिवारी की एक झलक और अंतिम दर्शन के लिए व्याकुल नजर आए। आपको बता दें कि मंगलवार शाम को पूर्वांचल के बाहुबली पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन की सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचने लगे। लोगों की इतनी भारी भीड़ के चलते उनके आवास के बाहर सड़कों पर जाम लग गया। वहां मौजूद लोगों के मन में सिर्फ एक ही चाह थी और वो थी सिर्फ अपने नेता के अंतिम दर्शन करना। नेता पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन की खबर सुनकर न सिर्फ उनके समर्थक बल्कि कई बड़े नेता भी उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचे। काफी देर रात तक कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं का उनके आवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा के कई बड़े नेताओं को पंडित हरिशंकर तिवारी के आवास पर देखा गया। बता दें कि नेता हरिशंकर तिवारी का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नेता हरिशंकर तिवारी के निधन को एक युग का अंत के रूप में बताया जा रहा है। नेता के समर्थकों का कहना है कि हरिशंकर तिवारी के जैसा नेता और समाज सेवी कोई दूसरा नहीं हो पाएगा। नेता हरिशंकर तिवारी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मंत्री ने अपने गोरखपुर स्थित आवास पर आखिरी सांसें ली। मंत्री हरिशंकर तिवारी का आवास तिवारी हाता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि गोरखपुर में दो ही चीजें मशहूर हैं, एक तो मंदिर और दूसरी तिवारी हाता। तिवारी हाता पर यूं तो लोग न्याय की गुहार लेकर जाते थे, लेकिन लोग गए तो अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन करने। साल 1985 में पहली बार निर्दल प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और चिल्लूपार विधानसभा सीट से विजयी घोषित हुए। बात करें तो उन्होंने यह चुनाव जेल से लड़ा था और जेल से चुनाव जीतने के मामले में वो उत्तर प्रदेश के पहले नेता बने थे। बात करें तो 2007 में बसपा के प्रत्याशी और पूर्व पत्रकार राजेश त्रिपाठी ने उनको विधानसभा चुनाव में मात दी, जिसके बाद से हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। अगर देखा जाए तो 5 बार वो कैबिनेट मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार होती थी, मंत्री का पद हरिशंकर तिवारी के पास रहता ही था। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या फिर भाजपा हो, हर सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बने थे। हरिशंकर तिवारी यूपी की कई सरकारों में मंत्री रहे हैं। एक समय में हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल के बाहुबली के रूप में जाना जाता था। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली हरिशंकर तिवारी का नाम बार बार उभर कर सामने आता है। नेता हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा सीट से लगातार 22 वर्षों तक विधायक रहे। इसके अलावा वे 5 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। नेता हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के ब्राह्मणों में अच्छी पैड रखते हैं और वे लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। हरिशंकर तिवारी ने पहली बार 1985 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और फिर वे अलग अलग राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतते रहे। 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते और यूपी सरकार में मंत्री भी बने थे। 2007 के चुनाव में बसपा ने राजेश त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया था। 86 वर्षीय नेता हरिशंकर तिवारी के परिवार जनों के मुताबिक पंडित हरिशंकर तिवारी की आज अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनके शव को उनके पैतृक गाँव बड़हलगंज के चिल्लूपार स्थित टड़हवा ले जाया जाएगा, जहाँ नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज में समर्थकों और दर्शनार्थियों के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इसके बाद बड़हलगंज स्थित मुक्ति धाम पर उनका अंतिम संस्कार कर उन्हें पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा।
वहीं नेता हरिशंकर तिवारी के निधन के बाद से कई बड़े नेता लगातार ट्वीट कर शोक जाहिर कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव समेत कई बड़े नेताओं ने मंत्री हरिशंकर तिवारी के निधन पर ट्वीट किया और शोक व्यक्त किया। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। खबर गाजीपुर से, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। मामले में निर्णय देते हुए गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने मामले में फैसला देते हुए मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया है। 24/11/2009 को मीर हसन नामक व्यक्ति के ऊपर थाना मोहम्मदाबाद में जानलेवा हमला हुआ था और उसी मामले में 120B के भाई आईपीसी के तहत इनके ऊपर भी आरोप पत्र आया था। और 2010 में ही सोनू यादव, जो मेन एक्यूज था, जिसके बारे में गोली चलाना कहा जाता है, उसका एक्यूटल 2010 में ही हो गया था और इनका ट्रायल उस समय तक इनके ऊपर चार्ज नहीं बना था। वो पत्रावली अलग करके इनका बाद में सोनू यादव का विचारण पत्रावली अलग करके किया गया था। ये 2009 का मामला था, थाना मोहम्मदाबाद कोतवाली गाजीपुर में एक 307 का FIR पंजीकृत कराया गया था मीर हसन द्वारा। उसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे और मुख्तार अंसारी जो है 25 अक्टूबर 2005 से गाजीपुर जेल में निरुद्ध थे और ये घटना 2009 की है। उस समय भी मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में निरुद्ध थे और FIR में नामजद नहीं थे। सोनू यादव एक नामजद अभियुक्त था जो कि इस मुकदमे में पहले ही कई वर्षों पूर्व ही बरी हो चुका है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में बीती देर शाम केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बड़खल चौक से बाईपास रोड तक जाने वाली पहली रोड पर लगाए गए लेजर लाइट तिरंगा का बटन दबाकर शुभारंभ किया है। रात के समय इस रोड से गुजरने वाले लोगों को दूर से ही लेजर लाइटें तिरंगा नजर आएगा और लेजर लाइट से इसके अलावा निकलने वाली तिरंगों के रंग की 3 लाइटें लोगों को देशभक्ति का एहसास दिलाएंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के मद्देनजर लेजर लाइट तिरंगे का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने की लेजर लाइट तिरंगा लगाने को लेकर जमकर खुशी व्यक्त और कहा कि इसे देखकर देशभक्ति की भावना पैदा हो रही है। फरीदाबाद के अंदर हमारे माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने जो स्मार्ट सिटी का जो पहला रोड बना है वो हमारे बड़कल से लेके यहाँ से और हमारा बाईपास तक जो बना है, इस बाईपास पे जो तिरंगा लाइट लगाई जाएंगी वो हमारे मंत्री जी का पहला उद्घाटन है। मेजर लाइट लगाने का निर्णय यहीं ही क्यों? वो इसलिए लिया गया है, जो हमारा स्मार्ट सिटी का जो रोड बन के तैयार हुआ है वो पहले यहीं से स्टार्ट। आपकी माने तो ये स्मार्ट सिटी रोड बनके तैयार हो चुका है? बिल्कुल तैयार। फरीदाबाद का पहले ही स्मार्ट रोड बना है जो हमारी है माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में बनाया गया है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनाने वाले वो थे और आज पहली स्मार्ट सिटी की पहली लेजर लाइट का उद्घाटन है फरीदाबाद। तो इससे कुछ फ़ायदे मिलेंगे? इससे फ़ायदा मिलेगा, दूर से ही दिखेगा। 75वें अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं आज देश में और आज़ादी का अमृत महोत्सव पे आज सबसे बड़ी लेजर लाइट लगाई जा रही है। फरीदाबाद की सुंदरता बढ़ेगी, स्मार्ट रोड की और सुंदरता आगे आती रहेगी। क्या मानते हैं कि स्मार्ट सिटी का ये पहला कुछ है? स्मार्ट सिटी के पहली लेजर लाइट है ये, आपको सबको देखने मिलेगी, दूर दूर से लोग देखने आए करेंगे इसको। क्या बता सकते हैं कि इसकी क्या शायद दूरी कितनी होगी, कितनी दूर तक ये दूरी जब आपके सामने अभी चलेगी, आप लाइव दिखाना, सब लोग देखेंगे कि कितनी दूरी है इसकी, ये बहुत दूरी तक जाने वाली है। इसकी हर रंग कलर ग्रिल का रंग भी तिरंगा है तो यहाँ देशभक्ति की भावना जो लोगों के अंदर जागृत करने के लिए ये तिरंगा लाइट का आज शुभारंभ किया गया है। पूरे शहर की सड़कों को आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी की रहनुमाई में देखेंगे आप, सुंदर सड़कें बन रही हैं, सुंदर ट्रैक बन रहे हैं, सुंदर पार्क बन रहे हैं, LED लाइटों की भरमार लगी हुई है। आप ROB देखो, आप आगरा कैनाल गुड़गांव कैनाल पर पुल देखो, आप लड़कियों के स्कूल देखो, लड़कियों के कॉलेज देखो, यूनिवर्सिटी देखो, सिकिल यूनिवर्सिटी देखो और हाईवे देखो। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम कनावती पुस्ता रोड पर रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी है। बताते चले कि ट्रैक्टर इतनी भयानक थी कि युवक बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया, युवक को अस्पताल पहुंचाया, वहीं युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। लोगों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेत से भरे ट्रैक्टर
को कब्जे में लिया, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। से बाइक का एक्सीडेंट हुआ और बंदे को बड़ी चोट आई है और टांग वांग पूरा हड्डी वड्डी दिख रहा है, सर पे भी चोट आई है और हमने एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस प्रशासन को फोन किया जी, पुलिस भी आ गई है जी, एम्बुलेंस आई थी और शांति गोपाल ले गए हम बंदे को जी, उनकी फैमिली आ गई है। से बाइक का एक्सीडेंट हुआ और बंदे को बड़ी चोट आई है और टांग वांग पूरा हड्डी वड्डी दिख रहा है, सर पे भी चोट आई है और हमने एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस प्रशासन को फोन किया जी, पुलिस भी आ गई है जी, एम्बुलेंस आई थी और शांति गोपाल ले गए हम बंदे को जी, उनकी फैमिली आ गई है। से बाइक का एक्सीडेंट हुआ और बंदे को बड़ी चोट आई है और टांग वांग पूरा हड्डी वड्डी दिख रहा है जी, सर पे भी चोट आई है और हमने एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस प्रशासन को फोन किया जी, पुलिस भी आ गई है जी, एम्बुलेंस। अवैध असलहा लहराते लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, आए दिन ऐसी ही कोई ना कोई घटना चर्चा का विषय बन जाती है। वहीं अब एक ऐसी घटना हरदोई से सामने आ रही है। बताते चले, युवक का सोशल मीडिया पे वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो असलहे के साथ दिख रहे हैं। ये पूरी घटना अरवल थाना क्षेत्र के मोर्चा रामनगर की है। कौन है, कहाँ का रहने वाला है? एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक तमंचे के साथ फोटो अपना खिंचाया है और इसको चिन्हित कर लिया गया है और शीघ्र ही इसको गिरफ्तार करके आवश्यक विधि। किस थाना क्षेत्र का रहने वाला है? ये थाना अरवल का रहने वाला है। लखनऊ में गिरीशचंद यादव, अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब आगामी 25 मई से शुरू हो रहे खेलों में इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पहुंचकर कहा कि आयोजन को लेकर सभी व्यवस्थाएं समय पर सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित कर लिया गया है। मंडलायुक्त ने स्पोर्ट्स कॉलेज प्रांगण में साफ सफाई के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। पीलीभीत में तेज रफ्तार से आ रहे मिट्टी भरे ट्रक ट्राली ने एक ग्रामीण को जोरदार टक्कर मार दी है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां आनन फानन में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, तभी रास्ते में ही ग्रामीण ने दम तोड़ दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि घटना के बाद कुछ अराजक तत्वों ने तहरीर में अज्ञात वाहन दिखाते हुए घटनास्थल भी गलत दर्शाया। इसके बाद मृतक ग्रामीणों के भतीजे ने वाहन चालक के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सुल्तानपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मशाल रैली का भव्य स्वागत किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन सामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से विगत 5 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से मशाल रैली को प्रदेश के सभी जनपदों में जाने के लिए हरी झंडी दिखाकर चित्रकूट की ओर से रवाना किया था। मशाल रैली जो कि मंगलवार को शाम अमेठी से जनपद सुल्तानपुर पहुंची। कोई फैसिलिटीज नहीं, स्टेडियम आज 3 साल हो गए काम करते हुए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, खाली बाउंड्री लाइन ही खींची। हम लोग खेलने के लिए परेशान है, फुटबॉल हॉकी तमाम गेम इस स्टेडियम में है लेकिन सब लोग परेशान हैं, बाहर जा खेलते हैं। 3 साल तक अभी स्टेडियम कुछ बना नहीं और किसी को कुछ कहा जाए, अधिकारी से पूछते बोलते भाई ऊपर से ऑर्डर आते हैं जो भी काम होता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से या और जो इससे इन्वॉल्व है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इस काम को तेज़ी कराएं थोड़ा सा, कि जिससे बच्चों का खेल का मतलब कंटिन्यू रहे, उसमें कोई बाधा ना पड़े, भावना उत्पन्न हो। वह सब लोग जैसे कि यूपी आजकल बहुत अच्छा कर रहा है गेम्स में, तो और भी बच्चे इससे प्रभावित हों, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और जो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं आगामी सप्ताह में बड़े बड़े प्रदेशों में, उसके प्रति भी लोगों को जागरूक करने की ये मुहिम है। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है, मैं चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें जिससे बच्चों में, लोगों में और आम जनमानस में खेलों के प्रति जागरूकता जागे। इसलिए यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैं देखता हूँ, खुद भी देखता हूँ, मैंने खुद भी अनुभव किया है, आपकी मेहनत साकार होगी। वह जो भी आपको शासन से प्रशासन से उम्मीद हो या कुछ वांछ हो वो हमको बताइए, हम बिल्कुल आपको सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर हैं।
रायबरेली में कानपुर प्रयागराज रेलवे लाइन पर अधेड़ की ट्रेन से कटकर मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने सूचना आरपीएफ और स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों को बुलाकर शिनाख्त करवाया है। पुलिस पंचायतनामा की कार्रवाई में जुट गई है। हुआ ट्रेन से, कैसे हुआ हादसा? ये इंटरसिटी प्रयागराज के लिए जा रही थी और ये अभी पता चला है कि यहाँ पे बैठा हुआ था और उसके बाद इंजन आगे निकल गया और उसके बाद जो है ये आगे बढ़ा, लेकिन इंजन के झटके से ये लमसम 20 फीट दूरी जाके गिरे और इनकी मृत्यु हो गई। और शिनाख्त किया जा रहा है, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है ग्रामीणों से कि ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ मौके पे, आरपीएफ भी आई हुई है, उचार पुलिस भी आई हुई है, वो अपना काम कर रही बाखूबी, लेकिन ये है कि अभी शिनाख्त नहीं लग पाया है। सहारनपुर के थाना गाग लहरी क्षेत्र के गांव मल्ली का निवासी कई दिन से लापता होने के बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया गया था। वहीं परिजन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लेकर काफ़ी टॉर्चर किया। इसी को लेकर परिजनों ने अपने बच्चे के लापता होने के बाद हत्या की आशंका जताई है। गुस्साए परिजनों का थाने पर हंगामा और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर नेताओं द्वारा गुस्साए लोगों को शांत कराने के प्रयास भी किए गए। पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जो गुमशुदा व्यक्ति है उसके पिता के मोबाइल पर किसी ने मैसेज किया युवक के बारे में। इस पर पुलिस ने उस नंबर को और संबंधित मोबाइल को ट्रैक करना शुरू किया तो इस पर वो मोबाइल उसके ही सगे भाई के इंटरनेट का प्रयोग किया जाना पाया गया। इस पर पुलिस ने सगे भाई को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और वहाँ जानकारी में आया कि अपने सगे भाई ने ही सगे भाई की हत्या कर दी है। परिजनों के साथ भी पूछताछ। बुलंदशहर के अनूप शहर में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक युवक गंगा स्नान करने गया था और स्नान के समय ही वो नदी में डूब गया। मौके पर मौजूद एक युवक ने उसे डूबता देख हल्ला मचाया, जिससे के बाद भीड़ एकत्र हो गई। घटना की सूचना अनूप शहर पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही एसडीएम नवीन कुमार ने तहसीलदार खुशबू सिंह और पुलिसकर्मी आदि मौके पर पहुंच गए। स्थानीय गोताखोरों व पीएससी फ्लड प्लाटून की मदद से तलाशी जारी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। चंदौली में मुगलसराय नगर पालिका परिषद के मतगणना में धांधली को लेकर किन्नरों ने प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर सपा के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए किन्नरों ने कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया है। वहीं एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव यदि नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है, लेकिन परिणाम को बदलने वाले अधिकारियों को किन्नरों ने लाठी लेकर दौड़ाया। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि नग्न होकर किन्नरों को प्रदर्शन करना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि हालांकि वो शब्द गलत है, हालांकि उस शब्द का मुझे नहीं पता है उसका बुरा माना जाएगा या अच्छा माना जाएगा, लेकिन सोचो पत्रकार साथियों, वो वीडियो शायद हमारे बड़े राष्ट्रीय चैनलों पर नहीं चला, लेकिन बताओ किन्नर समाज के लोगों ने लाठी लेकर के क्या पुलिस को अधिकारी को नहीं दौड़ाया? आप बताओ, हाँ या ना कह दो। ये सर हिलता हुआ बता रहा है कि हाँ, उन किन्नरों ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ अधिकार एक वोट का, उसको बचाने के लिए चाहे उन्हें कपड़े उतारने पड़े हो, लेकिन उन्होंने हाथ में लाठी लेकर के उनको दौड़ाने का काम किया जिन्होंने परिणाम बदला। ये बीजेपी के लोग यही चाहते हैं कि जनता सड़क पर आ जाए। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी कभी लिहाज कर जाते हैं बीजेपी वालों। सर भैया, आपके चुनाव में एक बार लेकिन किन्नरों ने बताया कि लिहाज अब छोड़ देना चाहिए। सर आपके भी चुनाव में बजरंग बली वाली का प्रयोग किया गया था। चंदौली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी समीप घायल अवस्था में मिले युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि नवीन मंडी किनारे अज्ञात घायलों से घायल अवस्था में बाइक सवार अलीनगर थाना क्षेत्र के खरगीपुर निवासी का शव पड़ा मिला था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा दिया है। वहीं शव की शिनाख्त करने में पुलिस जुट गई है। देवरिया में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर 42 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की है। बताते चलें कि पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत पुलिस ने गैंगस्टर बादल कुशवाहा पर कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टर की लाखों की संपत्ति जब्त की। गैंगस्टर पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। श्रीरामपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कुख्यात गैंगस्टर बादल कुशवाहा की 42 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के क्रम में कुर्क किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, शराब तस्करी व अवैध शस्त्र जैसे गंभीर अपराधों में 10 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। यूपी में गर्मी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन गर्मी के प्रचंड रूप से लोग बेहाल और परेशान नजर आ रहे हैं। गर्मी से लोग दिन में नहीं बल्कि रात में भी काफ़ी परेशान हैं। वहीं अगर भारतीय मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो आने वाले दिनों में लोगों को और भी भयंकर प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इस गर्मी का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर होता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर धूप में काम करते हैं। भीषण गर्मी से उनकी सेहत पर काफ़ी असर पड़ता है। भीषण गर्मी और तेज लू के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया है। इतना ही नहीं, लू चलने से दोपहर के समय तो लोग घरों में दुबके रहने पर मजबूर हो रहे हैं। तो वही भीषण गर्मी के इस मौसम में लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। लोग सिर्फ सुबह और शाम के समय घरों से बाहर निकलना प्रेफर कर रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते लोगों में उल्टी और दस्त की बीमारियां भी बढ़ने लगी है। गर्मी बढ़ने के बाद ठंडे पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ गई है। बढ़ते तापमान से परेशान और बाहर निकलने वाले राहगीर गर्मी से बचने के लिए गन्ना का जूस, आम का पन्ना और अन्य पेय का सेवन कर रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी में लोग नींबू का शरबत, शिकंजी समेत कई ठंडी चीजें पीकर शरीर को ठंडक प्रदान कर रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। सुबह होते देर नहीं होती कि सूर्य देव के तीखे तेवर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। दोपहर होते होते तो तेज गर्म हवाएं चलने लगती हैं। दोपहर की गर्म हवाओं के चलते लोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। दो पहिया वाहन चालकों को सफर करने में परेशानी हो रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग कपड़ों से लिपटे हुए नजर आते हैं, तो कुछ तो अपने अनावश्यक कामों को टाल देते हैं या शाम में करते हैं। सिर्फ बेहद जरूरी कामों के लिए ही लोग इस भीषण गर्मी में बाहर निकल रहे हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इससे स्वयं को बचाएं, गर्मी से बचाव तथा इसके प्राथमिक इलाज के लिए सावधानियां रखना अति आवश्यक है। जानकारी के अनुसार गर्मी के दिनों में धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद या हल्के रंग के ढीले कपड़े का प्रयोग करें। बिना भोजन किए घर से बिल्कुल बाहर ना निकले। भोजन करके और पानी पीकर ही बाहर निकले। इसी के साथ रंगीन चश्मा और छतरी का प्रयोग करें। गर्मी में हमेशा पानी अधिक मात्रा में पिए और अपने साथ हमेशा पानी लेकर चलें। भीषण गर्मी और तेज धूप के कारण लोगों का हाल बेहाल है। बात करें प्रचंड गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है उससे लोगों का बुरा हाल है। वहीं बात करें राहगीरों की तो राहगीर कहीं ना कहीं अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई पेय पदार्थों की शॉप लगी हुई। हम अपने सहयोगी से कहेंगे उनको दिखाएंगे। यहाँ पे चाहे बात करें गन्ने का जूस हो, नींबू की शिकंजी हो या आम का पन्ना हो, यहाँ पर कई राहगीर आ रहे हैं और इनको पी रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए इन पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ भाई भी हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे आप आए हैं, जूस पीने आए हैं, तो क्यों पीने आ रहे, कितना ये सहायक है? इसका पीने का एक रीज़न ये भी है कि जिस हिसाब से यहाँ पे गर्मी पड़ रही है
तो उसके लिए पेट के लिए ठंडक करता है और मन को शांत करता है। तो गर्मी में जितना हम हो सकते हैं कि ठंडी चीज़ें खाएं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसानदायक ना हो, तो इसलिए हम लोग इसका सेवन करते हैं गर्मी में। यहाँ पे कुछ लोगों और उनसे भी बात करेंगे, कुछ यहाँ भाई हैं इनसे भी बात करेंगे। अभी आपने जूस पिया यहाँ पे, क्यों पिया, क्या कारण है? भैया काफ़ी मैं दूर से आ रहा था, मैं जो थोड़ा फील हुआ कि नॉर्मली थोड़ा सा गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी, बैठकर आते आते बीच में थोड़ा सा टेम्परेचर मेरा कुछ ज़्यादा ढीला पड़ रहा था, कल थोड़ा रोक के थोड़ा राहत ले लें, थोड़ा जूस पी लें शायद थोड़ी राहत आ जाए। एनर्जी लेवल मेंटेन करने, एनर्जी मेंटेन करने के मैंने पी लिया है भैया। पानी की कमी को दूर कर रहा है काफ़ी काफ़ी, बहुत ज़्यादा ही, काफ़ी थोड़ा बहुत ही बहुत ज़्यादा कम्पेयर कर रहा है ये। तो आपने देखा लोगों का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं पानी की कमी को दूर कर रहा है यहाँ पे। हमारे साथ यहाँ पे जूस बनाने वाले भी, इनसे भी बात करेंगे। बात करें जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, कितने लोग, अगर कुछ दिनों की बात करें तो अगर आपके यहाँ कितने लोगों की इस समय आने की वो हो गई है? ये अब डबल हो गई है, अगले महीने मतलब 1,500 का होता था तो अब उसका डबल हो गया बिक्री, और गर्मी तेज बढ़ी गई है। कितने सहायक होते हैं ये पेय पदार्थ? पेय पदार्थ ये कितने सहायक होते हैं? ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है जी। हमारे साथ कुछ और भी सहयोगी हैं, इनसे भी बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कई कई शॉप लगी हैं, यहाँ पे कई लोग भी हैं। यहाँ पे बेल का शरबत हो, चाहे नींबू की सकंजी हो, आम का पना हो, सभी यहाँ पे बिक रहे हैं और लोग इसका पी के कहीं ना कहीं अपने शरीर को मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ और भी खड़े हैं, आप यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो कितना ये सहायक है ये जो भी बात करें, चाहे आम का रस हो चाहे आम का पना हो, तो ये कितने सहायक हैं गर्मी के लिए? गर्मी के लिए सहायक तो हैं, लेकिन इस समय जो ये बर्फ लगाया जा रहा है, पानी और छिड़काव किया जा रहा है, नुकसानदेह भी हो रहा है। पेट के लिए कितने कारगर साबित हो रहे हैं ये? पेट के लिए तो ठीक लग रहा है, लेकिन डॉक्टरों के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं गन्ना का जूस पी लिया, आपको नुकसान कर दिया, वो गंदा पानी बना दिया, इस तरह से समस्याएं आती हैं। तो क्या कहा जाए कि अच्छा है कि खराब, हमारे को नहीं बात सुन। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी कहना है कि गंदी बर्फ यूज़ हो रहा है, तो साथ ये भी कहना है तो लोगों को की बात करें तो कहीं ना कहीं शरीर को मेंटेन करने के लिए, शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए इन पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बात करें दुकानदारों की तो बिक्री जो इनके बिक्री में भी इजाफा हुआ है इन पेय पदार्थों से। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी प्रयागराज। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।